बहराइच हिंसा के दो आरोपी सरफराज और तालीम का एनकाउंटर नेपाल भागने की कोशिश में थे दोनों आरोपी। एनकाउंटर में तालीम के दाहिने तो सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी। इलाज के बाद बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहराइच हिंसा केस में सभी नामजद 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आज 5 गिरफ्तारियां की। कल राजा उर्फ साहिर खान पकड़ा गया था। एनकाउंटर पर बहराइच एसपी का बयान, कहा आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी डीजीपी का जवाब, दोनों आरोपियों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। बहराइच में इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद पुलिस अलर्ट। महाराजगंज बाजार में भारी पुलिस बल तैनात। बहराइच एनकाउंटर पर राजनीति शुरू। अखिलेश यादव बोले, नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर किया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी यूपी सरकार पर बरसे, कहा यूपी की ठोक देंगे नीति खतरनाक, प्रदेश में कानून का खुलेआम उड़ रहा है मजाक। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए, बोले प्रदेश में दंगे और फर्जी एनकाउंटर करवा रही सरकार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मांग, दुकानें जलाने वाले दंगाइयों का भी होना चाहिए इलाज। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ओपी राजभर का पलटवार, का अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर जमीन के अंदर, योगी सरकार में कानून का राज। बहराइच एनकाउंटर पर बोले गिरिराज सिंह, ऐसे अपराधियों को तो खत्म कर देना चाहिए, वो जिंदा है ये काफी। बहराइच हिंसा, पुलिस प्रशासन और सरकार की विफलता, सपा विधायक रविदास महरोत्रा का बयान। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बटोगे तो कटोगे नारा नहीं कोडवर्ड। बहराइच हिंसा पर सर्वशिष्टि के भड़काऊ बोल, कहा अनाप शनाप कहोगे तो फूल नहीं बरसेंगे। बहराइच में एक्शन का रिएक्शन हुआ।